नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भाजपा की वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज जी को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दी भावपूर्वक श्रद्धांजलि। वहीं इसी क्रम में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने भी सुषमा स्वराज जी को हृदय से भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दूं कि सुषमा स्वराज जी एक ऐसी हस्ती थी, एक ऐसी नेता थी जिसने पक्ष ही नहीं विपक्ष के नेताओं पर भी अपनी धाक जमा रखी थी। सुषमा स्वराज जी के निधन की खबर बड़ी दुखद खबर थी कि मेरा उनसे बहुत पुराना संबंध था। केवल संबंध नहीं था, एक भाई बहन का संबंध था। और जब मैं केंद्र में संसद कार्य मंत्री था और वे प्रतिपक्ष की नेता थी, प्रतिपक्ष की नेता लोकसभा में थी, लगभग रोज उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का, उनके साथ विवाद करने का मुझे मौका मिलता था। विवाद होते थे, उनका नज़रिया दृष्टिकोण बहुत सारी चीज़ों में अलग होता था, पर एक खूबी थी, जो भी हमारे मतभेद होते थे लोकसभा में, हम बड़े प्यार और सरल तरीके से इसका सामना करते थे। मैं मानता हूँ कि एक केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं और केवल एक समाज सेवक हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनके परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, शक्ति दें तो उनकी आत्मा। पता चला लोगों से, आपके माध्यम से पता चला, बड़ा दुख हुआ। एक लंबा राजनीतिक उनका अनुभव रहा है, देश की सेवा भी करी और जिस प्रदेश में वो मंत्री रही, मुख्यमंत्री रही, वहाँ की सेवा करी है। तो मैं अपनी ओर से अपनी शोक संवेदना उनके प्रति व्यक्त करता हूँ, बड़े सम्मान के साथ अपनी संवेदना उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। क्योंकि सुषमा स्वराज जी का कल अचानक रात्रि को हृदयघात से निधन हो गया, वाकई बड़े दुख की बात है। वो दबंग लेडी थी, अच्छी राजनेता थी, व्यवहार कुशल थी, अच्छी वक्ता थी। ऐसे नेता हमारे बीच में जाते हैं तो प्रदेश का और देश का सबका नुकसान होता है। मैं सुषमा स्वराज जी को अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवार को ये गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान कर परमात्मा, ऐसी कामना। पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक कद्दावर नेता सुषमा स्वराज का निधन एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। निश्चित तौर पर यह सामाजिक क्षेत्र के लिए साफ तो क्षति है ही, लेकिन यह मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि मध्य प्रदेश से उनका गहरा लगाव और जुड़ाव था। एक कुशल वक्ता थी, एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उनका यादगार कार्यकाल रहा, विदेश मंत्री के रूप में, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनका यादगार कार्यकाल रहा, आम जनता से उनका सीधा जुड़ाव था। निश्चित तौर पर एक संसदीय मामलों की जानकार थी, हर मुद्दे पर बड़े तार्किक ढंग से अपना पक्ष रखती थी, सभी से उनका प्रेम का संबंध था। निश्चित तौर पर एक सहज सरल व्यक्तित्व की धनी थी। उनका निधन एक ऐसी क्षति है जो अपूर्णीय है। उनके निधन पर मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और पीछे परिवार को ईश्वर शक्ति और संबल प्रदान करे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।